हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं बर्मास्टिक। और इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे मोबाइल में कैसे सॉफ्टवेयर डाला जाता है, लॉक कैसे खोला जाता है, उसके क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है तो फ़ोन को CPU टाइप पता कीजिए, क्योंकि आजकल के फ़ोन में जो भी फ्लशिंग करना हो या सॉफ्टवेयर डालना या कुछ भी करना हो या लॉक तोड़ना हो तो वो आजकल CPU टाइप पर डिपेंड करता है। कोई कोई फ़ोन है जैसे है कि वो कोई की कंपनी अपना स्पेशल ड्राइवर वगैरह करता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। कोई भी अगर फ़ोन आता है सबसे पहले आपको CPU टाइप पता करना है। जैसे कि मेरे पास आया रियलमी का 3 फ़ोन, तो सबसे पहले नेट पर सर्च मारेंगे Realme 3 CPU टाइप, ठीक है, सर्च मारेंगे और जो भी CPU टाइप होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो मैं कुछ CPU टाइप का नाम बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्पेड्रम, जिसको SPD भी कहते हैं, एक क्वालकम स्नैपड्रैगन है, और ये दोनों सेम ही है। कोई कोई बोलता है क्वालकम है, कोई कोई बोलता है स्नैपड्रैगन, इतना प्रोसेसर है 675, जो भी है क्वालकम स्नैपड्रैगन सेम ही है। और एक है MediaTek, एक है एक्सवाइनोस, जो कि सैमसंग के फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा, और एक किरिन है जो कि हुआई और ऑनर में देखने को मिलता है। ये जो किरिन जो देख रहे हैं ये ऐसे अधिकतर केवल में केवल इसको हुआई और ऑनर में देखने को मिलेगा, एक्सवाइनोस जो है सैमसंग में ही केवल मिलेगा। ये SPD, क्वालकम, MediaTek, ये तीनों क्या है ना कि आपको हर कंपनी के फ़ोन में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो रेडमी हो, वीवो, ओप्पो, सैमसंग में भी मिल जाता है, हुआई ऑनर सारे में मिल जाता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IC जो कि सभी में मिल जाता है, लगभग हर कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगा, एप्पल को छोड़ा कर, क्योंकि एप्पल का अपना CPU टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे कैसे एक एक CPU टाइप को कैसे कनेक्ट किया जाता है और कैसे क्या किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं स्पेड्रम। स्पेड्रम जो भी CPU हो उसको हम लोग वॉल्यूम डाउन बटन से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी आपके पास फ़ोन आया तो आपको सबसे पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करना है और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कर कर USB केबल लगाना है, उससे आपको यह फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट होगा तो उसके लिए एक आपको कंप्यूटर में उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले SPD ड्राइवर नेट पर सर्च मार कर इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको जो भी SPD यानी स्पेड्रम जो भी CPU टाइप का फ़ोन आएगा तो कनेक्ट होने लगेगा। तो सबसे पहले हम SPD ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर सर्च मारा SPDRAIDER USB ड्राइवर, ठीक है, और ये फर्स्ट वाला लिंक जो आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ये जो लेटेस्ट दिख रहा है SPD ड्राइवर उसको हम लोग क्लिक करेंगे और इसको हम लोग डाउनलोड कर कर इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया तो सोल में जाता हूँ और सो इन फोल्डर में जाता हूँ और इसको सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल करता हूँ और ओके करता हूँ। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये ओपन हुआ और कौन सा विंडोज़ है तो मेरा विंडोज़ 10 है, उसको के लिए हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। विंडोज़ 64 बिट है मेरा, ये आपको पता कैसे चलेगा 64 बिट है या 32 बिट है, तो उसके लिए आपको इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इंस्टॉल हो गया, फिनिश कर देता हूँ। और देखना है तो आपको डिस PC में जाना है और प्रॉपर्टीज में जाना है, वहाँ पर जाइएगा तो आपको दिखा देगा बिट। यहाँ पर देखिए मेरा 64 बिट बता रहा है। तब देखिए हमारा तो SPD ड्राइवर इंस्टॉल होगा। अगर आपको कोई भी अगर SPD टाइप का फ़ोन आता है उसको फ्लश करना होगा तो कैसे फ्लश करेंगे, तो आपको SPD फ्लश टूल सर्च मारना है, लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जाना है, फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करिए और यहाँ से ये देखिए ये SPD अपग्रेड टूल बोला जाता है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। लेटेस्ट वाला मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, मैं मीडिया फायर वाला पर क्लिक करता हूँ, इससे जल्द डाउनलोड होता है। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए डाउनलोड हो गया। सोल में जाता हूँ और सो इन फोल्डर में जाता हूँ, फिर इसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ और यहाँ से एक्सट्रैक्ट मैं कर देता हूँ। इसके बाद ये ओपन हो गया, तो इसके नीचे मैं जाता हूँ, ये हमारा टूल है, ये अपग्रेड डाउनलोड टूल, ठीक है। मोर इन्फो में जाता हूँ, रन एनीवे करता हूँ,
ये हमारा टूल है, इसी के मदद से वो फ्लश होगा। और कैसे फ्लश होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये प्लस वाले जो सेटिंग जैसा आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करें। जिस भी फ़ोन का आपको फ्लश करना है, जो भी मॉडल है, जैसे सैमसंग 1200 वाई, उसका फ्लश फाइल लिखकर सर्च मारिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए तो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ प्लस फाइल में जाता हूँ और सैमसंग वाले में जाता हूँ। इसका जो भी सैमसंग का जो भी होता है उसका प्लस फाइल पैक होता है, डॉट पैक एक्सटेंशन इसका पीएसी फाइल होता है, पैक फाइल होता है। ये देखिए यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करिएगा। जो भी बूट की होगा उसका, इसका बूट की वॉल्यूम डाउन बटन होता है, और उसको वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके यूएसबी केबल लगाया जाता है मोबाइल को स्विच ऑफ करके। अगर बटन वाले हो तो उसका अलग होता है। और ये एंड्रॉयड का मैंने इसका प्रैक्टिकल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ये जो आप जाइएगा हाउ टू फ्लश में, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है माइक्रोमैक्स N8205 हैंग वन लोगो, तो मैंने फ्लश किया, इसका प्रैक्टिकल वीडियो इसमें है। और यहाँ पे ITEL L5502 फ्लशिंग, ये भी आपको स्पेड्रम CPU है वो, तो इसको भी मैंने फ्लश किया। तो आप हाउ टू फ्लश वाले मेरे जो प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वहाँ से दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तो प्रैक्टिकली आपको मिल जाएगा। अगर फ़ोन में आपका मतलब यूएसबी कनेक्ट हो रहा है या नहीं कैसे चेक होगा, तो एक मैं बता देता हूँ आपको। सबसे दिस पीसी में जाइएगा, मैनेज में जाइएगा, और मैनेज में जाने के बाद डिवाइस मैनेजर में जाइएगा, और यहीं पर जो भी आपको फ़ोन का होगा यहाँ पर पोर्ट्स लिख कर यूएसबी आपको कनेक्ट होगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए पोर्ट से लिख रहा है, ये मीडिया टेक का है यूएसबी ड्राइवर, ये मीडिया टेक का फ़ोन मैंने कनेक्ट किया है। तो ये मैंने अभी तक नहीं बताया था, तो मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन CPU टाइप के बारे में। इस टाइप के फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ईडीएल पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग फ़ोन को खोलते हैं बैक पैनल को, और उसमें दो पॉइंट होता है जिसको हम लोग चिमटा की मदद से शॉर्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यूएसबी केबल को लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लोग फ़ोन के बैटरी को कनेक्शन को पहले हटाते हैं, फिर इसके बाद जो भी ईडीएल पॉइंट होता है उस फ़ोन के मॉडल का सबसे पहले नेट पर सर्च मारते हैं, उसमें दो पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट को शॉर्ट करते हैं, फिर इसके बाद यूएसबी केबल को कनेक्ट करते हैं, और इसके बाद जो भी करना हो फ्लशिंग वगैरह जो भी करना हो वो करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, और QPST या क्यू फील टूल है जो इसको मदद मतलब से हम लोग इसको फ्लश करते हैं। तो मैं एक इसका ईडीएल पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि Redmi 5A ईडीएल पॉइंट मैं सर्च मारता हूँ। तो Redmi का जो 5A मॉडल है वो क्या है कि आपको वो क्वालकॉम CPU टाइप है, तो वहाँ पे आपको ईडीएल पॉइंट दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे फोटो दिख जाएंगे आपको वहाँ पे, तो फूट गया, बहुत सारे आपको पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। देखिए ये दो पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट को हम लोग शॉर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, अब जो भी सर्च करना है सर्च कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर लिखेंगे और सर्च करेंगे। इसके बाद इस वाले लिंक पर मैं जाता हूँ, फिर इसके बाद डाउनलोड क्वालकॉम ड्राइवर्स में क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए डाउनलोड का आ गया, पर एक लिख रहा है यहाँ पे, एक बार मैंने डाउनलोड कर दिया है, सेव करूँगा डाउनलोड होने लगेगा, पर मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। तो मैं जाता हूँ डाउनलोड वाले में, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, एक्सट्रैक्ट। इसके बाद ये देखिए ऑटोमेटिक ओपन हो गया, और नहीं ओपन हो रहा है तो आप ओपन कर लीजिए उस फाइल को। देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो ये फोल्डर जो भी है इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये ओपन होगा, इसको यस किया, फिर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। और इसका हम लोग क्या क्यू फील टूल डाउनलोड कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी फ़ोन को जो भी आपको क्वालकॉम टाइप का आएगा तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसा है,
और यहाँ पे मिरर मीडिया फायर वाले पर जाता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे लगता है ये प्रोसेस हो गया, फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है हमारा, सो इन ए फोल्डर में जाता हूँ और क्या करता हूँ, मैं ना एक्सट्रैक्ट कॉल करता हूँ। एक्सट्रैक्ट हो गया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये की फील को ओपन करता हूँ। और की फील को ओपन करने के बाद मैं बताऊँगा कैसे फाइल को सेलेक्ट करना है। देखिए कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कैसे आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करिएगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोर्ट लिखेगा, क्योंकि कोई पोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्टिंग लिखेगा। तो यहाँ सेलेक्ट पोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर पोर्ट को देखिएगा, उस पर क्लिक करना है, फिर ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर फ्लैट बिल्ड में जाना है, या पहले आप फाइल सेलेक्ट करके यूएसबी को कनेक्ट करा सकते हैं। सबसे पहले फ्लैट बिल्ड में जाना है, फिर उसके बाद ब्राउज में जाना है और आपको जो भी आपको क्वालकॉम टाइप का जो भी फ़ोन है उसका फ्लैश फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं फ्लैश फाइल में गया और यहाँ पे आपको जो भी है, शाओमी में जाता हूँ मैं, 5M में गया और यहाँ से इसके अंदर गया, इमेज में गया और इसको सेलेक्ट मैंने किया। फिर इसके बाद लोड XML में जाऊँगा, तो रैप प्रोग्राम में को सेलेक्ट करूँगा, फिर पैच को सेलेक्ट करूँगा। और जब यूएसबी केबल कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा। और इसका भी मेरे पास प्रैक्टिकल वीडियो है, आपको हाउ टू फ्लश वाले में जाइएगा, मतलब मोबाइल फ्लशिंग में वाले प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको दिखेगा F320 भी हैंग ऑन लोगो है। सेम यही प्रोसेस है, मैंने रिसेट किया है। जियो का जो भी फ़ोन आ रहा है सारे के सारे क्वालकॉम सीपीयू होता है, आप इसकी मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। उसका बूट की स्टार है, पर एंड्रॉयड जो भी फ़ोन रहता है आपको क्वालकॉम सीपीयू वाला है उसको ईडीएल पॉइंट से शॉर्ट किया जाता है। तो एक बार ये जो प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो हैं मोबाइल फ्लशिंग वाले, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग मीडिया टेक सीपीयू टाइप के फ़ोन के बारे में जानेंगे। उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग मोबाइल को स्विच ऑफ कर कर प्लस माइनस बटन, जो वॉल्यूम अपन डाउन दोनों बटन को प्रेस करके यूएसबी से कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले फ़ोन में आपको कुछ सॉरी आपके कंप्यूटर में कुछ इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे मीडिया टेक है यूएसबी ड्राइवर, एक है क्वालकॉम मीडिया टेक यूएसबी ड्राइवर, ये भी इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये क्वालकॉम और मीडिया टेक दोनों में ये काम करता है। और आजकल के लेटेस्ट टूल जो भी आप लॉक वगैरह तोड़ते हैं तो लिब यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाता है। और MCT बाईपास टूल, जो भी ऑथेंटिकेशन जो बाईपास करना रहता है तो इस टूल का प्रयोग किया जाता है। ये जो MCT बाईपास टूल जो सॉफ्टवेयर है उसके मदद से हम लोग जो ऑथेंटिकेशन रहता है उसको बाईपास किया जाता है। नहीं अगर इससे बाईपास नहीं करते तो इसका अलग से हम लोग को फाइल डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये टूल बहुत बढ़िया है। कभी कभी कोई कंप्यूटर में मतलब कई बार इरर आता है, वीकॉम यूएसबी ड्राइवर इरर का, तो वीकॉम यूएसबी ड्राइवर इरर ये वीडियो आप YouTube पर सर्च मार कर कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो देख सकते हैं। बाकी मैं इन सबको एक एक करके इंस्टॉल करना मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मीडिया टेक यूएसबी ड्राइवर, ठीक है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट वाला लिंक आया, यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट वाला को सेलेक्ट किया और यहाँ से डाउनलोड करना है। ये 55 MB का है तो ये डाउनलोड हो रहा है, ये लगता है मैंने एक बार डाउनलोड किया है। तो मैं सेव नहीं करता हूँ, मैं अपने डाउनलोड वाले फाइल में जाता हूँ और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। मीडिया टेक है ये, यहाँ पे है तो एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट भी मैंने लगता है किया है, चलो कोई बात नहीं। तो ये ओपन हो गया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। अभी देखिएगा अभी यहाँ पे कोई फाइल बना हुआ नहीं है, जैसे ही हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे एक आपको फोल्डर बना हुआ आपको दिखेगा। तो इंस्टॉल करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल किया तो यहाँ पे देखिए फोल्डर बन के आ गया। इसको मैं फिनिश करता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है तो दो तीन ड्राइवर है, तो मैं इस फोन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इरर
दे रहा है, बोल रहा है फ्रिज रिस्टार्ट, अच्छा रिस्टार्ट योर कंप्यूटर बोल रहा है, और ए वाला भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो आप रिस्टार्ट योर कंप्यूटर प्लीज बोलेगा। नेक्स्ट करता हूँ, ये भी देखिए नहीं इंस्टॉल हो रहा, तो इसको हम लोग रिकवरी मोड में जाकर हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो मैं सबको काट देता हूँ अभी, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे, पर रिस्टार्ट करते वक्त हम लोग शिफ्ट बटन को दबा ही रहेंगे। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद मैं रिस्टार्ट को क्लिक करता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रबल शूट में जाएंगे और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना, स्टार्टअप सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 7 नंबर बटन, F7 जो दिख रहा है, डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर ये दिख रहा है, आप F7 बटन को प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। इसके बाद वो डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर हो जाएगा, इसके बाद वो रिसेट लेने लगेगा, इसके बाद आपका एक कंप्यूटर खुलेगा। खुल गया तो मैं बताता हूँ। अब देखिए इसमें जाता हूँ और ड्राइवर को मैं इंस्टॉल करता हूँ, और इस बार ये इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि हम लोग डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर कर दिए हैं, क्योंकि ये अलग से ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो देखिए अब इंस्टॉल होने लगा, इंस्टॉल कर दीजिए, देखिए ये हो गया, रिस्टार्ट बोल रहा है एक बार करने को, करेंगे। आपको ये सारे को इंस्टॉल करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, नेक्स्ट फिनिश, क्विक काट देता हूँ या प्रेस एनी की तो कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। और एक और बचा है ये वाला, ये लगता है इंस्टॉल है, प्लीज रिमूव USB डिवाइस पार्ट बोल रहा है, तो मैं इंस्टॉल नहीं करता हूँ, आपके पास नहीं इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और हम लोग ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, क्वालकॉम मीडियाटेक USB ड्राइवर, उसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। क्वालकॉम मीडियाटेक USB ड्राइवर लिखूंगा और फर्स्ट वाले लिंक पर जाऊंगा। एक बार तो मैंने इंस्टॉल कर दिया और इसके बाद रिस्टार्ट कंप्यूटर हो गया, क्योंकि इसको करने के बाद रिस्टार्ट हो जाता है तो दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। और यहाँ पे डाउनलोड पर जाइएगा, और डाउनलोड पर जाने के बाद यहाँ पे आएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे तब से मैं दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखा है, इससे पहले देखिए क्वालकॉम मीडिया टेक सेटअप, यस करता हूँ, और मैंने यस किया, फिर नेक्स्ट इंस्टॉल करना, ये 9 बार शायद मांगेगा, देखिए मांग रहा है, मैंने कर दिया, ये देखिए पीछे वो आ चुका है डाउनलोड करने का, ये देखिए इसके पीछे, या डाउनलोड एनी वे करिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने यहीं पे यहाँ पर क्लिक कर दिया तो मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया, यहाँ पर करिएगा तो रिस्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आपको एक बार फ़ोन को अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना अनिवार्य है। और लीव USB ड्राइवर है, यहाँ पर देखिए लीव USB ड्राइवर लिखिएगा तो ये फर्स्ट वाला लिंक आएगा, और इसको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करिए तो डाउनलोड हो जाएगा, उसको भी मैंने डाउनलोड कर रखा, तो मैं इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद मैं अपने कंप्यूटर को एक बार बंद करके मैं खोल दूँगा। वो एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल कर देना, यस रिस्टार्ट द कंप्यूटर नाउ, नो कर देता हूँ, ठीक है, फिनिश में करता हूँ। देखिए लिब यूएसबी ड्राइवर वाला तो ओपन नहीं हुआ था, तो फिर से मैं लिब यूएसबी ड्राइवर सर्च करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और फिर से इसको इंस्टॉल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। लगता है पिछला बार मैंने कुछ गलती किया था या क्या, मैंने एक बार कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन कर दिया,
फिर उसके बाद देखिए लॉन्च फिल्टर इंस्टॉल विजार्ड, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल डिवाइस फिल्टर नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं एक मीडिया टेक का फ़ोन लेता हूँ, एक बार एक फ़ोन को कर दीजिएगा तो सारा काम हो जाएगा। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करिएगा और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन को प्रेस कर कर और यहाँ पर आएगा टिक कर कर, वहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर दीजिएगा, तुरंत करिए क्योंकि ये तुरंत भाग जाता है। देखिए दोनों बटन को प्रेस कर कर मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए मीडिया टेक लिखेगा, ये तो यूएसबी सीरियल पोर्ट लिख रहा है। हाँ देखिए मीडिया टेक लिखा है, इंस्टॉल कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। प्रयास थोड़ा कीजिएगा। अब देखिए आगे क्या इंस्टॉल करना है हम लोग का, MCT बाईपास टूल, तो आपको एंटीवायरस को डिसेबल करना पड़ेगा वरना वो उस सॉफ्टवेयर को ये खा जाता है। MCT बाईपास टूल लिखता हूँ और फिर इस वाले पर जाता हूँ और फिर इसके बाद जो भी है यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं वर्जन 4 वाले को मैंने डाउनलोड किया और सेव करता हूँ, 12 MB का। अब हम लोग इसका पासवर्ड देखिए क्या है, www.gsmsharmaji.com है, तो मैं इसको पासवर्ड को यहाँ पर डालूँगा। यहाँ पर जाता हूँ Win7 में स्टैक फाइल, पासवर्ड डालता हूँ www.gsmsharmaji है, तो पासवर्ड आप लोग देख लीजिएगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा और ओके करता हूँ। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया, किधर गया F4 वाला, हाँ यहाँ पर आ गया। देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करूँगा और कोई भी किसी का भी आपको बाईपास करना है तो बाईपास पर क्लिक करिएगा और फ़ोन को स्विच ऑफ कर कर वॉल्यूम अप एंड डाउन को दबा कर और कनेक्ट करिएगा। देखिए प्रोटेक्शन डिसेबल आएगा, इस तरह आपको आएगा। इसके बाद आपको जो भी फ्लश वगैरह करना रहे कर लीजिएगा। उसको फ्लश करने के लिए सबसे पहले हम SP फ्लश टूल को हम लोग डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे मीडिया टेक के फ़ोन के लिए SP फ्लश टूल डाउनलोड होता है, तो SPD नहीं, SP प्लस टूल, ये देखिए SP प्लस टूल है, तो और यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इसको है, यहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। यहाँ पर मोबाइल वाले फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे SP प्लस टूल है, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ का फ्लैश फाइल आपको सेलेक्ट करना है, जैसे चूज में जाइएगा और मीडिया टेक का जो भी CPU है, जैसे कि मैं जाता हूँ फ्लैश फाइल में गया और Xiaomi में जाऊँगा तो Redmi 6A का क्या होता है, आपको ये मीडिया टेक CPU होता है। इसमें क्या होता है, इमेज में जाता हूँ, इमेज में ये वाला स्कैटर फाइल को सेलेक्ट करना रहता है और किसी किसी में ऑथेंटिकेशन फाइल चाहिए होता है तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑथेंटिकेशन फाइल नहीं है तो ये वाला पहले प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। जैसे ही आपको प्रोटेक्शन डिसेबल कर लिया जाता है ना, हो जाता है, तो आपको प्लस फाइल को सेलेक्ट कर डाउनलोड कर दीजिएगा तो सॉफ्टवेयर मीडिया टेक में डाला जाएगा। अगर कोई अगर आपको अगर DA यहाँ पर फाइल सेलेक्ट ना हो तो आपको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर भी आपका जैसे कि डेस्कटॉप का है और मोबाइल वाले फोल्डर में SP प्लस टूल, इसमें जाऊँगा और यहाँ पर देख लीजिए मीडिया टेक ऑल इन वन DA, इस पर क्लिक करके ओपन कर दूंगा तो DA फाइल सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी ये समझ नहीं है तो वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च मार कर। अब हम लोग सैमसंग के फ़ोन्स के बारे में जानेंगे। सैमसंग के फ़ोन्स में भी देखिए कई तरह के CPU आ जाएंगे, मीडिया टेक, क्वालकॉम, SPD, ये आ जाएंगे। पर सैमसंग फ़ोन के लिए सैमसंग का अलग से USB ड्राइवर होता है, तो सैमसंग हम लोग USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए सैमसंग हो या कोई भी कंपनी हो, वह उसमें आपको FRP लॉक, जो कि रिसेट करने के बाद फ़ोन को जो गूगल अकाउंट बोलते हैं उसी को FRP लॉक भी बोलते हैं, वो तो लगेगा ही, पैटर्न और पासवर्ड भी लगेगा। और सैमसंग है तो सैमसंग अकाउंट लगेगा, अगर MI का है तो MI अकाउंट लगेगा, तो ये मैं आगे बताते रहूँगा अगर MI के बारे में जब बात करूँगा तब। और देखिए एक केजी लॉक है, जो कि ये फ़ोन जो MI पर फ़ोन लिया हुआ रहता है, अगर आप उसका पैसा नहीं देते हैं तो ऊपर से लॉक लगा दिया जाता है। ये कई टूलों में इसको बंद करने का आ गया है,
तो मैं बोलूँगा कि आप ये सब नहीं करें तो भी ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंस वाले का मैटर है, आप करिएगा तो कोई लफड़ा में पड़ जाइएगा। ये और एक IMI रिपेयर, ये दो काम ना ही करें तो बेटर है, ठीक है। और यही सैमसंग का फ़ोन में FRP लगेगा, पैटर्न पासवर्ड और सैमसंग अकाउंट लगेगा। FRP के लिए कई टूल है, पैटर्न पासवर्ड के लिए भी कई टूल है, वहाँ पे एक क्लिक करिए काम हो जाएगा। सैमसंग अकाउंट बाईपास का बहुत सारे वीडियो है, सैमसंग अकाउंट सभी फ़ोनों में नहीं लगता है, जनरली बहुत कम ही फ़ोनों में लगता है। और आपको सैमसंग अकाउंट पता होगा, डाल लीजिए तो काम ख़त्म हो जाएगा। और अगर अगर फ़ोन को रीसेट करना होगा तो पिन पैटर्न लग गया होगा, कई फ़ोन पहले के हैं, तो सबसे पहले स्विच ऑफ करिए। फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप और जो बीच वाला बटन होम होता है उसको दबाकर, फिर पावर बटन दबाकर तीनों को दबाइएगा तो रिकवरी मेनू आ जाएगा, वहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर लीजिएगा। मेरे हाउ टू रीसेट वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारे फ़ोन का रीसेट वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर। और रीसेट कोड देखिए, ये एंड्रॉयड और कीपैड दोनों में रीसेट कोड है, और रीसेट करना होगा मास्टर रीसेट तो ये दोनों कोड है। एक कोड जो है *2767*3855, ये पुराना कोड है, पुराने के फ़ोनों में काम करता है, पर ये वाला कोड अभी लेटेस्ट के सारे फ़ोनों में काम कर रहा है, ठीक है। सवाल ये उठता है कि अगर बीच वाला, मतलब कई सैमसंग फ़ोन में होम बटन नहीं होता है, तो उसके भी रीसेट के कई वीडियो है मेरे चैनल पर, जाकर देख लीजिएगा। और हाथ से रीसेट करना चाहते हैं तो वरना टूल में, बहुत सारे टूल में दिया गया है रीसेट का, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा फ़ोन कैसे रीसेट करें, तो बस आप उस फ़ोन का मॉडल लिखें, जैसे कि सैमसंग J6 आपके पास आया तो सैमसंग J6 हार्ड रीसेट सर्च मारिएगा यूट्यूब पर, बहुत सारे वीडियो आ जाएगा कैसे सैमसंग J6 को रीसेट करें, ठीक है। अगर FRP बाईपास करना है तो सैमसंग J6 FRP बाईपास करें, और फिल्टर में जाकर आप लेटेस्ट वाले वीडियो को सेलेक्ट करें जिससे आप FRP बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि FRP में क्या होता है, हर अपडेट के बाद सिक्योरिटी बढ़ जाता है। अब देखिए, सैमसंग का अगर फ्लश करना है तो सबसे पहले इसका USB ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, और इसका ओडिन फ्लश टूल होता है, ठीक है। और इसको फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ओडिन मोड में डाला जाता है। तो देखिए, दो टाइप के फ़ोन सैमसंग में तरह है, एक तो बीच में बटन होता है, एक बीच में बटन नहीं होता है। जिसमें बीच में बटन होता है उसको ओडिन मोड में डालने के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ करके पावर बटन, सबसे पहले पावर बटन नहीं प्रेस करेंगे, वॉल्यूम अप बटन, ठीक है, फिर होम बटन और पावर बटन तीनों को प्रेस करेंगे। प्रेस करने तो आपको एक ब्लू कलर का दिखेगा, आपको आइकन आएगा। अब इसके बाद वॉल्यूम अप बटन दबा दीजिएगा तो ओडिन मोड आपको ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर वाला डालिएगा तो ओडिन मोड में चले जाइएगा वॉल्यूम अप, और जैसे ही वॉल्यूम दबाइएगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा फ़ोन, फिर से वो खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपके बीच वाला बटन नहीं है सैमसंग का फ़ोन में, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को स्विच ऑफ कर वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन को दबाकर USB केबल को या चार्जर का कनेक्ट करिएगा तो ये ओडिन मोड में ये चला जाएगा। ओडिन मोड में जाने के बाद भाई वॉल्यूम अप दबा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओडिन मोड में जाएगा, अब वॉल्यूम डाउन बटन दबा दीजिएगा तो रिसेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलिए इसका USB ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, और फ्लश फाइल भी जो ओडिन फ्लश टूल है उसको भी इंस्टॉल करके कुछ बताते हैं। सैमसंग USB ड्राइवर मैं लिखता हूँ, सैमसंग USB ड्राइवर ये वाला मैं जाता हूँ, ये वाला ये वाला, दोनों में से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड पकड़ता हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है। तब तक मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आया तो उसको हार्ड रीसेट करना था, कैसे रीसेट करें, जैसे सैमसंग J6 हार्ड रीसेट करिएगा, सर्च मारिएगा तो बहुत सारे वीडियो आ जाएगा कैसे रीसेट किया जाता है, वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, बहुत सारे है रीसेट के वीडियो। देखिए किधर आ गया, एक पूरा प्लेलिस्ट ही है, देखिए रीसेट मोबाइल के नाम से, तो इसमें जाइएगा तो बहुत सारे रीसेट का वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे कंपनी के, उसमें जा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी अगर FRP बाईपास करना है, जैसे सैमसंग J5 FRP बाईपास लिखिए, जो कि हाथ से बाईपास होता है, कोई भी फ़ोन का FRP बाईपास सर्च मारिएगा, उसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट वाले वीडियो नहीं देखना है, फिल्टर में जाना है और 10 मंथ या 10 ईयर कर कर वीडियो देखना है, क्योंकि FRP बाईपास में जो FRP का बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, सैमसंग में या हो या कोई भी कंपनी है, तो
तो गूगल द्वारा अपडेट आते रहता है, तो उसका सिक्योरिटी बढ़ते ही रहता है। तो आप सबसे पहले लेटेस्ट वाले ही वीडियो को देखें, उसी को देखकर आप रिसेट करें या FRV बाईपास करें। रिसेट वाला तो मोबाइल को जब रिसेट करते हैं तो पुराना वीडियो से काम चले जाएगा, पर FRP बाईपास के लेटेस्ट वीडियो ही देखें, वरना पुराना वाला मेथड काम नहीं करेगा। ये हमारे डाउनलोड हो चुका है, तो सो इन फोल्डर में जाता हूँ और इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये आ गया, इसमें जाऊंगा और ये USB ड्राइवर है, मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तब से ओडिन में मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ओडिन टूल में सर्च मारता हूँ। ये आ गया ओडिन, यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ ये इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल हो रहा है बैकग्राउंड में, तब से मैं कोई एक डाउनलोड कर लेता हूँ। ओडिन ये वाला मैंने डाउनलोड किया, ठीक है डाउनलोड। फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये भी डाउनलोड होने लगेगा, 14 MB का है। तब देखते हैं कि अभी तक हमारा USB ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है नहीं। इधर USB ड्राइवर इंस्टॉल हो ही रहा है और अभी तक हमारा, हाँ ये कोडिंग जो है ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कॉल करता हूँ, इसके बाद ओडिन ऐप खुल जाएगा। इसके बाद मैं देखिए ओडिन ये वाला ओपन करना है। इसके बाद ये आपको ओडिन खुल जाएगा। ये देखिए, जैसे ही आप ओडिन मोड में डालकर फ़ोन को कनेक्ट करिएगा, तो यहाँ पे आसमानी कलर का कुछ इस या इस कलर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, कॉम लिखेगा, उसका पोर्ट बताएगा। अब उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर करना है या FRP करना है, तो देखिए, तो अगर FRP करना है तो एक ही फाइल होगा, AP में जाइएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। कई फ़ोन को सॉफ्टवेयर करने में एक ही फाइल होता है, तो AP में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो आपको फ़ोन फ्लश हो जाता है। और कई फ़ोन में 4 या 5 फाइल होता है, तो सभी में सेलेक्ट करना पड़ता है, यूजर डाटा को छोड़कर इन चारों में सेलेक्ट करना पड़ता है। किसी किसी में 5 फाइल होता है, मिलता है हम लोग प्लस फाइल, जब भी जैसे ही सर्च मारते हैं तो हमें 4 में ही सेलेक्ट करना पड़ता है। और सैमसंग मोबाइल को रिसेट कैसे किया जाए, सॉरी प्लस कैसे किया जाए, उसका वीडियो भी है पूरा डिटेल में। मैंने USB ड्राइवर को भी कैसे 0 से मैंने इंस्टॉल करके बहुत पहले बनाया था, ए हाउ टू प्लस सैमसंग मोबाइल बाय ओडिन, ये वाला कर लीजिएगा। तो इसमें इसका प्रैक्टिकल है एक फाइल वाले का, और एक और है ये हाउ टू फ्लश सैमसंग Z2। देखिए ओडिन मोड में कैसे डाला जाए बिना बटन वाले को, बीच वाले को, और ये वाला देखिएगा तो जिसमें बटन आता है उसको कैसे ओडिन मोड में डाला जाए, उसके बारे में मैंने बताया है। और एक और वीडियो है, देखिए सैमसंग में एक और एन अकर मैसेज आता है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इस पर मैंने बताया है। इस कंडीशन में सॉफ्टवेयर किया जाता है, और कस्टम बाइनरी ब्लॉक बाई FRP वाला भी आएगा, तो क्या करना है, सैमसंग ही का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। इसमें देखिए शायद 4 फाइल वाला है, नहीं, ये नहीं, ये तो ये शायद Z2 कोर, और इसमें 4 फाइल वाला शायद है ये एरिया में, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो इस प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। मैं कई वीडियो में अभी तक बता चुका हूँ, और इसको मैं काट देता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, अभी तक इसको मिनिमाइज करके देखता हूँ, ये इंस्टॉल हो गया, हाँ USB ड्राइव इंस्टॉल हो गया। तो चलिए जिसे दिखाते हैं, कोई कोई फ़ोन में क्या होता है कि एक फाइल होता है, और किसी किसी मतलब जब भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी हमें एक फाइल वाला मिल जाता है, कभी कभी 4 फाइल वाला, 4 5 फाइल वाला मिल जाता है। जैसे सैमसंग J2 में जाएंगे, ये फाइल फ्लैश फाइल डाउनलोड किए हैं, देखिए ये यहाँ पे J2 है, इसको एक्सट्रैक्ट किए हैं तो ऐसा फोल्डर में आया, तो इसमें एक ही फाइल है। तो हम लोग बस AP में जाएंगे और यहाँ से फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट दे देंगे, ठीक है। और एक और मेरे पास फाइल है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 2 4 1 5 फाइल है, 5 फाइल है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या है, इधर मैं इसको कर देता हूँ, तो AP वाला तो AP में सेलेक्ट हो जाएगा, BL वाला BL में, CP वाला CP में, और CSC में मैटर हो जाता है। CSC में पहले ये वाला सेलेक्ट करके देखिए, फिर स्टार्ट करिएगा, स्टार्ट अगर नहीं लेगा तो होम वाले को सेलेक्ट करिएगा CSC में जाकर, और फिर स्टार्ट दीजिएगा तो ले लेगा, ठीक है। तो ये इससे हमारा सैमसंग का फ्लश हो जाएगा। अगर FRP वाला फाइल रहेगा, जैसे सैमसंग J2 का FRP का देखिए फाइल है FRP, बस एक क्लिक में FRP हो जाता है, बस AP में जाएंगे
और जहाँ पर भी हमारा होगा, इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है FRP बाईपास वाले में, तो वो देख सकते हैं। बस जाएंगे FRP अनलॉक ओपन, वो फोल्डर वाला नहीं ले रहा है, पूरा जीप वाला लेगा। ये देखिए ये वाला जीप वाला है, ओपन कर, डायरेक्ट जीप से ही सेलेक्ट कर दीजिए। अब मैं स्टार्ट दे दूंगा तो हो जाएगा, अभी पोर्ट नहीं बनाया है, फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कोई कोई फ़ोन में देखिए जिससे होता है कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद, जैसे J2 वाला फाइल डायरेक्ट बिना एक्सट्रैक्ट किए ही सेलेक्ट कर लेंगे तो भी वो फ्लश हो जाता है, वो FRP रिमूव हो जाता है। अभी कर रहे थे इसको एक्सट्रैक्ट करके तो नहीं हो रहा था, ठीक है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। और कई सारे टूल है, जो भी आप टूल यूज़ करिएगा, जैसे मैं यहाँ पे सैमसंग में जाता हूँ, सैमसंग हो या वीवो ओप्पो है, यहाँ पर बहुत सारे मॉडल आ जाते हैं। जैसे A01 को जाएंगे, इरेज FRP करेंगे, बस इसको सैमसंग फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है आपको आना चाहिए, ऑडियन मोड में डाल लगाएंगे और उसके बाद ये हो जाएगा। इसमें देखिए EDL लिखा है, EDL यानी ये ऑडियन मोड से तो नहीं होगा, फ़ोन को खोल कर ये ढक्कन EDL पॉइंट को शॉर्ट करेंगे तब होगा, ठीक है। इसीलिए इससे पहले हमने CPU टाइप के बारे में बताया था। इसमें देखिए ये ओडिन लिखा है, तो ओडिन मोड में इसको डालकर हम लोग FRP इसका इरेज कर सकते हैं। चाहे आप ओप्पो में जाइएगा, ओप्पो में जाइएगा तो ये सब देखिए आसान है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रोम लिखा है, और ब्रोम लिखा है यानी मीडिया टेक वाला है, तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर कर वॉल्यूम अप और डाउन बटन को दबा कर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पोर्ट बनाता है। और आपको फैक्ट्री रिसेट करना है, इरेज FRP करना है, या फैक्ट्री रिसेट प्लस FRP करना, जो भी करना है सारा आसान है, चाहे वो वीवो हो या कोई भी हो। इसीलिए मैंने सबसे पहले CPU टाइप के बारे में बताया था। देखिए EDL लिखा है, ब्रोम लिखा है, तो सब यहाँ पर CPU का खेल है, तो CPU का खेल जो समझ गया वो सॉफ्टवेयर आसानी से कर लेगा। और कई सैमसंग के बटन वाले फ़ोन्स है, उसमें क्या होता है कि बीच वाला में ओके जो बटन रहता है वो उसका बूट की होता है, तो एक वीडियो मैं इसी में ऐड करूंगा कीपैड फोन्स के बारे में, तब मैं बताऊंगा। सैमसंग मोबाइल का फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करें, देखिए सैमसंग मोबाइल में सबसे लेटेस्ट वाला फ्लैश फाइल ही चढ़ता है, तो सैमसंग अगर J8 फ्लैश फाइल में सर्च मारूंगा तो मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए sammobile.com, यहाँ पर अकाउंट बना लीजिएगा, अगर नया फ़ोन है तो उसमें अकाउंट बना लीजिएगा या लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर ओरिजिनल देता है, जो कि एक बार जो भी डालिएगा फाइल एक बार में ले लीजिएगा। अगर पुराना मॉडल हो चुका है तो रिपेयर माई मोबाइल या कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट वाला डाउनलोड कीजिएगा तो वो काम कर जाएगा। पर अगर फ़ोन अगर रनिंग मॉडल में है, अगर अपडेटेड है, अगर अदर वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी वो नहीं चढ़ता है। सैमसंग में क्या है, हमेशा लेटेस्ट फाइल ही चढ़ता है, सैमसंग और एप्पल के फ़ोनों में हमेशा लेटेस्ट फाइल ही चढ़ता है। इसीलिए आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं सैम मोबाइल, जो कि ओरिजिनल देता है, और samfw.com, इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। करने को तो आप किसी से भी कर सकते हैं, पर ओरिजिनल आपको यहाँ पर मिलेगा, पर इसमें स्पीड का इशू रहता है। तो आप यहाँ से क्या करिएगा, जो भी फाइल का जो भी मॉडल होगा, जैसे यहाँ फाइल का नाम जो A1 वाला लेटेस्ट चल रहा है, और ये अगर सेम नाम का अगर कहीं और मिल रहा है, कहीं और वेबसाइट पर जैसे कि इसी पर मिल रहा है, तो A1 वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि तो लेटेस्ट जो है वही आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको फेल नहीं होगा, वही काम करेगा। यहाँ पर देखिए कंट्री वही रहता है, तो इंडिया, यहाँ पर मॉडल सर्च करिएगा, इसमें कंट्री डाल दीजिए अपना इंडिया, और उसके अनुसार जो भी लेटेस्ट होगा वो आप डाउनलोड कर कर एक्सट्रैक्ट कर कर फ्लश कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हुआई और होनर के बारे में। देखिए हुआई और होनर का फ़ोन हो और उसमें किरिन टाइप का CPU हो, जैसे कोई भी मॉडल आया उसका CPU टाइप सर्च मारिएगा तो किरिन शो करेगा CPU टाइप, तो इस टाइप के CPU में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल USB 1.0 कर कर आप सर्च मारिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, या हुआई USB ड्राइवर सर्च मार कर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी होगा FRP पैटर्न फ्लशिंग जो भी हो कर लीजिएगा। अगर अदर टाइप का CPU हो, जिससे हुआई के फ़ोन में MediaTek या क्वालकॉम SPD जो भी CPU टाइप हो, तो वो पहले जो भी टूल बता चुके हैं उसका फ्लश फाइल डाउनलोड करिएगा, नेटबॉक्स मॉडल का सर्च मारकर, सेम वो वाला फंक्शन के थ्रू जैसे उसमें बताए थे। क्वालकॉम होगा तो क्यूफिल से कर लेंगे, MediaTek होगा तो SP प्लस टूल से कर लेंगे, और SPD होगा तो SPD अपग्रेड टूल आता है उससे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। अगर शाओमी और पोको, शाओमी पोको कही है, रेडमी कही है, तीनों एक ही है, शाओमी और रेडमी एक ही हम लोग सुने हैं, पर पोको देखिए पोको भी इसी का है,
ठीक है। तो देखिए, इन फोनों में पोको अगर फोन रहेगा तो आपको FRP लगेगा, लॉक पैटर्न पिन जो भी लगेगा, और फ्लशिंग, तीन समस्या आ सकता है। अगर रेडमी का फ़ोन रहेगा तो EMI अकाउंट लगेगा। देखिए, FRP के लिए तो आप यूट्यूब पर देख कर उसको FRP कर सकते हैं, और जो भी अगर FRP टूल अगर कोई खरीदते हैं आप, कोई भी जैसे अनलॉक टूल और भी कोई UMT जो भी है, एक मोबाइल सॉफ्टवेयर लाइन में आएगा तो कोई ना कोई पैड टूल आपको रखना पड़ेगा, उसके थ्रू आप FRP लॉक वगैरह जो भी आराम से तोड़ सकते हैं। देखिए, रेडमी में क्या होता है, रेडमी में पोको आराम से बटन से रिसेट हो जाता है, कोई समस्या नहीं होता है कोई फोन हो। EMI अकाउंट में क्या होता है कि जब यूजर EMI अकाउंट बना देता है तो वो वाला अकाउंट मांगता है। तो ये EMI अकाउंट क्या होता है, कई फोनों में आपको कई टूल से जो कम दाम के हम लोग टूल खरीदते हैं उससे भी हो जाता है, और नहीं तो कई फोन है, Redmi 7, Y3, ये सब है, ऑनलाइन एजेंट के थ्रू हम लोग इसका EMI अकाउंट रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। और इसको फ्लश करने के लिए, और जिस टाइप का CPU हो उस टाइप का टूल आप डाउनलोड करिएगा, जिससे कि जिस टाइप क्वालकॉम हो या मीडियाटेक हो, जो प्रोसेस होता है सेम वही प्रोसेस से इसको भी फ्लश किया जाता है। अगर अनलॉक टूल हो ले लिए हैं तो एक टूल आता है जो मेरे पास है, तो उसमें आपको डायरेक्ट सारा प्रोसेस दे दिया रहता है, जिससे भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, हम लोग टूल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ से फाइल आप सेलेक्ट कर कर यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और भी इसमें दिया है सिक्योरिटी में जाएगा तो इसका लॉक वगैरह जो भी खोलना होगा Y1 को कर सकते हैं, या क्वालकम टाइप का CPU होगा तो यहाँ से बस ब्रांड पहले यहाँ पर सर्वर पर टिक करना है। इस पर ये टूल को चलाने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ऐसे बहुत सारे टूल कभी इस टूल के बारे में वीडियो बना हुआ है, तो मॉडल जो भी सेलेक्ट करना है कर लीजिए, फिर तो यहाँ से फाइल सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं, और जो भी फ्री का टूल है उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो ना होगा तो इससे करिएगा, जो भी पेड टूल है। अगर कुछ फ़ोनों को ऑनलाइन भी करना पड़ता है, देखिए रेडमी में क्या होता है, कोई भी आप फ्लैश फाइल, जैसे कि जो भी आपको सर्च मारना होगा, जैसे कि Redmi 5 पे फ्लैश फाइल में सर्च मारोगा, तो इसमें क्या है कि आपको ये जरूरी नहीं कि कोई लेटेस्ट वाला ही चढ़ाना है, इसमें आप कोई भी आप डाउनलोड करके चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है रेडमी वाले में। ये देखिए, एरियल पॉइंट को शॉर्ट करके काम कर देना है, ठीक है। पोको का भी है, तो बस आप डाउनलोड करिएगा फ्लैश फाइल और काम कर दीजिएगा, जो इस टाइप का भी CPU होगा। CPU टाइप के बारे में पहले हम जा चुके हैं। रियलमी और ओप्पो का फ़ोन में होगा तो FRP लगेगा, लॉक का समस्या आएगा, जो भी पिन पैटर्न और फ्लशिंग करेंगे। तो देखिए, FRP आएगा तो या तो बाईपास कर लीजिएगा, रियलमी या ओप्पो आएगा तो। देखिए, कई बार होता है, कई पहले के फ़ोनों में क्या होता है ना कि FRP लॉक जिसमें लग जाता है तो उसमें एक कोड इमरजेंसी कॉल में जाकर ये दोनों कोई कोड डायल कीजिएगा तो एक काम कर जाता है, ऑटोमेटिक FRP बाईपास हो जाता है। और कोई कोई फ़ोनों में FRP बाईपास होने के बाद लैंग्वेज बदल जाता है, तो मैं आई बटन पर लैंग्वेज कैसे चेंज करना है वो आपको मैं दे दूंगा, और उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी आई बटन पर मैं दे दूंगा, या तो मेरे आप FRP बाईपास वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, रियलमी का होगा तो। और ओप्पो का भी सेम यही करके प्रोसेस देखिएगा, नहीं तो कई सारे टूल हम लोग के पास है, जो टूल की मदद से हम लोग कर लेंगे। इसमें देखिए, पिन और पैटर्न का आता है प्रॉब्लम, तो ओप्पो और रियलमी दोनों सेम ही कंपनी है, और इसमें पिन पैटर्न में क्या होता है, कई फ़ोन तो रिसेट हो जाता है बटन से ही, ठीक है, और कई फ़ोन क्या होता है रिसेट नहीं होता है, और इससे रिकवरी मोड में जाइएगा तो उसमें लॉक मांगता है, तो वो टूल से ही होगा, ठीक है। और फ्लश में क्या करना है, इसको सॉफ्टवेयर में फ्लशिंग आप करिएगा, जैसे हैंग ऑन लॉग हो आ गया, जो भी प्रॉब्लम हुआ या सॉफ्टवेयर जड़ाना हो तो उसका फ्लश फाइल सर्च मारिएगा। तो इनमें क्या होता है ना, रियलमी में कभी कभार क्या होता है, लेटेस्ट वाला चढ़ाना पड़ता है, कभी लेटेस्ट वाला नहीं चढ़ाना पड़ता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है रियलमी का। बहुत सारे फ़ोन को समझिए, 50% फ़ोन को तो आपको ऑनलाइन ही फ्लश करना पड़ता है एजेंट के थ्रू, तो आपको कौन सा फ्लश फाइल रखना है आपके पास वो एजेंट से ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। और कई ऐसा मॉडल है 50% जो आपको जिस टाइप का CPU टाइप का उसके टाइप उसी से आपको हो जाएगा, रियलमी हो या ओप्पो, ठीक है, दोनों का सेम ही प्रोसेस है। अब देखिए, वीवो हो या IQ, दोनों सेम कंपनी है, इसमें आ गया FRP लॉक फ्लशिंग का, तो आपको इसमें FRP आप हाथ से भी बाईपास कर सकते हैं, या टूल है आपको जो भी टूल रखे हैं खरीदें उससे कर सकते हैं। और क्या होता है कि इसमें लॉक में अगर बटन से रिसेट करिएगा तो रिसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या होता है पासवर्ड मांगने लगता है, तो आपको टूल से ही होगा जो भी पिन पटन हो। फ्लशिंग का वही है कि आपको जिस टाइप का CPU है उस टाइप का टूल से आप कर लीजिएगा, या पैड वाले आपने टूल खरीदा तो उसमें आपको ये सारे जो भी CPU टाइप के थ्रू आपको फ्लश करने का दिया है, जिसे हमने अनलॉक टूल ओपन किया तो उसमें देखा है, उससे वो हो जाएगा।
अब हम लोग आईफोन के बारे में जानेंगे। आईफोन के बारे में देख लीजिए, इसका टूल्स दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आईट्यून एक थ्री यू टूल्स। मैं थ्री यू टूल्स बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, और फ्लशिंग करना हो या कुछ भी करना हो, ये देखिए दोनों से ही हो जाता है, पर मैं यूज करता हूँ अधिकतर थ्री यू टूल्स। बहुत सारे लोग थ्री यू टूल्स भी यूज करते हैं, और थ्री यू टूल्स बस नेट पर सर्च मारिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। आईफोन का फ्लशिंग बहुत ईजी है, ठीक है। आईफोन क्या होता है कि सबसे लेटेस्ट वाले फ्लश फाइल से ही फ्लश होता है, ठीक है। आईफोन में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे कि डिसेबल्ड आईफोन, डिसेबल आईफोन या हैंग ऑन लॉग आएगा, ठीक है। और ये दोनों प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग आईफोन को फ्लश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेटेस्ट फ्लश फाइल डाउनलोड करेंगे, जैसे आईफोन 6s आया, आईफोन 6s प्लस फाइल सर्च मारेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। इसका प्रैक्टिकल मेरे चैनल पर है, मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा वीडियो देखना है। और अगला प्रॉब्लम आता है हेलो स्क्रीन, देखिए एक एम है और आई क्लाउड, जैसे कि हैंग ऑन लोगो आ गया या डिसेबल आईफोन आया, आपने उसको फ्लॉश फाइल चढ़ाया, उसके बाद जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन में रिसेट होने के बाद, जैसे गूगल अकाउंट पुराना वाला मांगते हैं ना, उसी तरह आईफोन में आई क्लाउड अकाउंट होता है वो मांगता है, ठीक है। तो आप करिएगा तो पुराना वाला अकाउंट मांगेगा, आप वो डाल दीजिएगा, खुल जाएगा। अगर वो नहीं पता होगा तो आईफोन में पैसा लगता है उसको खुलवाने का, कितना तो 2000 से कम नहीं लगेगा इसका एक्टिवेशन कराने में, ठीक है। अगर कई टूल्स की मदद से आप उसको बाईपास भी कर देते हैं तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि नेटवर्क ही नहीं आता है। पासवर्ड का भी आता है, जैसे पिन पासवर्ड लग गया तो उसका बहुत सारे टूल पर वीडियो है, जैसे टूल आप खरीद देंगे उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल वाले में जाऊंगा तो यहाँ पर देख लीजिए फंक्शन दिया है फैक्ट्री रिसेट, अगर आपको लॉक वगैरह लग गया होगा तो, और बहुत सारे हैं जैसे कि और भी टूल आते हैं, आप आईफोन के लिए सर्च मार लीजिएगा, ये सब पेड टूल आता है। अगर आईफोन को फ्लश करना होगा, देखिए बूट रैम डिस्क, ये सब आपको पासपोर्ट लग जाता है तो उसको हटाने के लिए है। और आपको आईफोन को फ्लश करना है तो देखिए हाउ टू फ्लश आईफोन, और ये वाला वीडियो देखिएगा तो इसमें बताए हैं कि आईफोन का फ्लश फाइल कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे फ्लश करें, ठीक है। और इसमें हमने रिसेट आईफोन को बताया, इसमें आईफोन आई क्लाउड को मैंने बाईपास किया है, ठीक है। बाईपास कैसे किया जाता है इस वीडियो में आप देखिएगा तब समझ जाइएगा। और आईफोन को जेल ब्रेक कैसे करें, देखिए आपको आई क्लाउड बाईपास करने के लिए आपको आईफोन को जेल ब्रेक करना पड़ता है, तो जेल ब्रेक कैसे करना है तो ये पूरा प्रोसेस इसमें दिखेगा, और आई क्लाउड कैसे बाईपास करना है, ठीक है, इसमें बताया है। और भी देखिए आई क्लाउड इसके थ्रू जो बाईपास किया उसमें नेटवर्क नहीं बताता है, क्योंकि फ्री वाला जैसे कम पैसे वाला टूल से किए हैं तो बाईपास तो कर देगा, यूज कर सकते हैं, पर नेटवर्क नहीं आएगा। तो उसको एक्टिवेशन कराने के लिए 2000 ये सब खर्चा करना पड़ता है, अकॉर्डिंग फ़ोन कौन सा 2000 2500 3000 जो भी खर्चा करना पड़ता है उसका एक्टिवेशन लेना पड़ता है, ठीक है। ये रहा आईफोन का, देखिए आईफोन थोड़ा आईफोन में जैसे घुसिएगा धीरे 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 आपको नॉलेज होगा, एक ही वीडियो में आप पूरा डिटेल नहीं समझ पाइएगा। और टूल्स की बात करना था, देखिए आईट्यून्स और थ्री टूल्स यही दोनों है, आपको बस कनेक्ट करना है, आपको सारा चीज़ इसमें डिवाइस आपको देखा देगा कौन सा कनेक्ट किए हैं, और यह स्मार्ट प्लस में प्लस होगा। आप वो प्लेलिस्ट वाला हाउ टू प्लस या आईफोन का जो प्लेलिस्ट है वो देख लीजिएगा तो सारा आपको ये दिख जाएगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। कीपैड फोन का रीसेट कोड मैं बता देता हूँ, जैसे कि सैमसंग का आ गया, सैमसंग में देखिए स्टार 2767 स्टार 2878 और स्टार 2767 स्टार 3855, ये दोनों कोड बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये 3855 वाला बहुत ज़्यादा लेटेस्ट फ़ोनों में काम करता है, ये पुराने के फ़ोन में ये काम करता था, ठीक है। आज के 5-6 साल पहले वाले फ़ोनों में ये यूज होता था अधिकतर, और अब के जितने भी फ़ोन है एक कोड से रिसेट हो जाता है, मास्टर रिसेट हो जाता है। अगर अगर इससे अगर मास्टर रिसेट हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, प्राइवेसी लॉक भी लग गया हो बटन वाले फोन में, तो ये कोड यूज करिएगा, ये दोनों से कोई आपका काम हो जाएगा। नोकिया का कोड है *73707, अगर प्राइवेसी लॉक डाले हैं या उसको मास्टर रिसेट करना है बटन के थ्रू तो ऐसे हो जाएगा। एयरटेल का देखिए कोड है *0*, इसे बटन में काम करता है। और टच वाले में जो भी हो, जिस टाइप का सीपीयू हो, क्वालकॉम मीडियाटेक, उस टूल के अनुसार फ्लशिंग जो भी पैटर्न वगैरह तोड़ना होगा, जिससे पैटर्न वगैरह रख लेते हैं बटन में से ही टूट जाएगा, नहीं तो बहुत सारे टूल आ गया है। जिस टाइप का सीपीयू होगा, जैसे मीडिया टेक होगा तो मोबाइल को स्विच ऑफ करें, वॉल्यूम अप एंड डाउन को दबाकर यूएसबी केबल कनेक्ट करें, एक बार में काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे टूल आ चुके हैं मार्केट में, केचोड़ा का है जो चाइना में है पर ये पूरा पॉपुलर है। तस्टार हच
4 2 8 ये उसका मास्टर कोड है। अगर इन सभी फोनों में इन कोडों से कोई आपका प्रॉब्लम दूर नहीं होता है, जैसे कि कई बार आता है बीजी प्रॉब्लम का समस्या, कि कोई भी फोन करता है बीजी बीजी बताता है, अधिकतर आपको आईटेल और कैचोड़ा और कई भी चाइनीज फोनों में आवश्यकता पड़ता है, तो आप उसको रीसेट कर दीजिए जाकर सेटिंग में। अगर ये सब कोड उन फोनों का कोड है ये है, नहीं काम करता है तो सेटिंग में जाकर रीसेट करने का कोड यही है। आराम से सेटिंग में जाइए, फैक्ट्री रीसेट सेटिंग में जाना, वहाँ पर कोड डालने को बोलेगा, तो आप 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 डालिए, या 1 1 2 2 या 4 0 डालिए, इसके बाद आपका समस्या दूर हो जाएगा। जो भी सेटिंग्स से छेड़छाड़ हुआ होगा, जैसे बीजी कॉल प्रॉब्लम या वॉइस ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, ये सब छोटे मोटे प्रॉब्लम होगा वो आपको दूर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा एक कोर्स ख़त्म होता है, पर देखिए मोबाइल सॉफ्टवेयर लाइन में हमेशा अपडेट होते रहता है, आज कुछ और टूल चल रहा है कल कुछ और टूल चलेगा, ऐसा अपडेट होते रहता है। तो जो इस लाइन में आपको हमेशा आपको एक्टिव रहना है, और आपको अगर शुरुआती तौर पर मैं बताऊँ, अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है, कम पैसा, अगर शुरुआत अगर आप सॉफ्टवेयर लाइन में चल रहे हैं, तो मैं सस्ता में प्रेफर करूँगा, अनलॉक टूल खरीद लीजिए आज के डेट में, अच्छा चल रहा है। अगर आज के 6 महीने बाद वीडियो देखते हैं तो अभी मार्केट में पता करिएगा कौन सा टूल अच्छा चल रहा है। अभी देखिए अनलॉक टूल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2025 1500 का एक्टिवेशन है, 2500 का भी एक्टिवेशन है, उसमें क्या होता है एक क्लिक पर सारा लॉक टूट जाता है, और यह हमेशा अपडेट देते रहता है, ऐसा नहीं कि मेरे से करते हैं, कोई पेड वीडियो है नहीं, मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले बॉक्स लेता था, अब बॉक्स अब मत खरीदिएगा, क्योंकि बॉक्स का ज़माना गया, अब टूल का ज़माना आ गया, ठीक है। मेरे पास देखिए कोई नहीं है, बस अनलॉक टूल है, एक मिरेकल थंडर जो पहले चलता था, तो मैं उसका ही इसको इंस्टॉल कर रखा हूँ, इसका मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ, जैसे सैमसंग का जो भी 1200 वगैरह आता है, उसको जो भी पासवर्ड डाला रहता है उसको रीड करने के लिए मैं इसको रखा हूँ, नहीं तो अधिकतर मैं इसी से काम कर लेता हूँ। अब बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर का काम करते वक्त अगर कोई फ़ोन डेड हो जाता है, तो दो तरह से डेड होता है, एक सॉफ्ट ब्रेक होता है, एक हार्ड ब्रेक होता है। सॉफ्ट ब्रेक में क्या होता है कि अगर आप मतलब कोई भी फ़ोन का काम करे या अनलॉकिंग की है या गलत फाइल ने चढ़ा दिए, तो फ़ोन डेड हो जाता है। डेड होने के बाद अगर आपका वो फ़ोन रिकवरी मोड में जा रहा है तो सॉफ्ट ब्रेक हो गया है, तो उसको सही फाइल चढ़ाइएगा तो काम सही हो जाएगा, फ़ोन सही हो जाएगा। एक हार्ड ब्रेक होता है, हार्ड ब्रेक में क्या होगा कि फ़ोन तो बस क्या होगा कुछ नहीं बताएगा, या तो केवल डिस्प्ले दिखेगा, और कंप्यूटर में कनेक्ट करिएगा तो आपको क्या करेगा वो यूएसबी पोर्ट बताएगा, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, उसका बूट लोडर आप डाउनलोड कीजिएगा और उसको बूट करिएगा, और इसके बाद फ्लैश फाइल चढ़ा दीजिएगा, तो फ़ोन आपका वो कंप्लीट सही हो जाएगा। इसके लिए टूल भी आता है, फ्री वाले ऐप से भी कर सकते हैं कोई कोई फ़ोन, और कई फ़ोन तो मतलब अधिकतर समझिए पैड वाले से ही होगा, तो एक ना एक टूल तो आपको पैसा खर्च कर कर लेना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि फ़ोन डेड नहीं हुआ रहता है और हम लोग को लगता है कि फ़ोन डेड हो चुका है, तो देखिए अगर मीडियाटेक का फ़ोन है, अगर आपने वॉल्यूम अप और डाउन बटन को प्रेस करके लगाएंगे और आपका क्या होगा कभी कभार फेल हो जाता है, और इसके बाद आप ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होता है, तो आप क्या करिए वॉल्यूम अप और डाउन और पावर बटन तीनों को कम से कम 30 सेकंड दबा के रखें, तो क्या होता है कि मीडियाटेक वाला ऑटोमेटिक मेटा मोड में चला जाता है, जब आप वॉल्यूम अप और डाउन बटन दबाकर कनेक्ट करते हैं तो आपको लग जब ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होता है, तब क्या करिएगा आपको तीनों बटन को एक साथ दबाएं और 30 सेकंड तक रखें, उसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अगर नहीं चालू होता है तो एक बार बैटरी का कनेक्शन निकाल कर लगा कर रख डाल लगाएं, बैटरी का पत्ता निकाल कर डालें, काम है आपका हो जाएगा, वो तो घबराना नहीं है। आजकल देखिए वीवो का बहुत सारे फ़ोन जो मीडिया टेक वाले वो आपको डेड हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए कई सारे फ़ोन का मॉडल का इस टूल में प्री लोडर पहले से दिया है, मान लें ओप्पो F11 किया, और बस आपको अगर फ़ोन पूरी तरह डेड है तो बस बूट डिवाइस मतलब यूएसबी से बस कनेक्ट कीजिए, बूट डिवाइस पर क्लिक करिएगा तो आपको फ़ोन ये बूट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लैश फाइल डालकर फ्लैश कर लीजिएगा, इसका डिटेल वीडियो मैं कभी बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।